अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गुमनाम हीरो की कहानी जिसने दुनियावी इजाजात को ठुकरा दिया। जी हाँ, एक ऐसा अजीम शख्स जिसने 1994 में किंग फैसल अवार्ड को ये कहते हुए ठुकराया कि मैंने जो कुछ लिखा है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए लिखा है, लिहाजा मुझ पर मेरे दीन को खराब ना करें। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने फ्रांस की नेशनलिटी को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मुझे अपनी मिट्टी और अपने वतन से मोहब्बत है। एक ऐसा अजीम शख्स जिसके हाथ पर 40,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा तैयबा पढ़ा। एक ऐसा अजीम शख्स जो 22 जुबानों का माहिर था और 84 साल की उम्र में आखिरी जुबान थाई सीख ली थी। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने मुख्तलिफ जुबानों में 450 किताबें और 937 इल्मी मकाले तहरीर किए। एक ऐसा अजीम शख्स जो इस कदर इल्मी मुकाम रखने के बावजूद अपने बर्तन और कपड़े खुद धोते थे। एक ऐसा अजीम शख्स जिसे 1985 में पाकिस्तान ने आला तरीन शहरी एजाज हिलाल इम्तियाज से नवाजा, तो एजाज के साथ मिलने वाली रकम जो 1 करोड़ रुपए बनती थी, इस रकम को बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा तहकीकाते इस्लामी को ये कहते हुए दिया कि अगर इस फानी दुनिया में ये एजाज वसूल किया तो फिर बाकी रहने वाली जिंदगी के लिए क्या बचेगा। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने हदीस की अवलीन किताब जो 58 हिजरी में लिखी गई थी, उस अजीम हदीसी और तारीखी दस्तावेज को उन्होंने 1300 साल बाद जर्मनी में बर्लिन लाइब्रेरी से दरियाफ्त किया और तहकीक के बाद छाया करवाया। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने कुरान मजीद का फ्रांसीसी जुबान में तर्जमा और तफसीर लिखा, इस शाहकार तर्जमे के बीसीओ एडिशन शाये हो चुके हैं। एक ऐसा अजीम शख्स जिसने तारुफ़े इस्लाम के नाम से एक शाहकार किताब लिखी, जिस किताब के दुनिया की 22 जुबानों में तर्जमे हो चुके हैं। ये अजीम इंसान, ये नाबगाए रोजगार शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह की थी। आप 1908 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए। आपने 1933 में जर्मनी कैबोन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और इसके बाद वहीं अरबी और उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। आप 1946 में अक्वामे मुतहदा में रियासत हैदराबाद के नुमाइंदा सफीर मुकर्रर हुए। 1948 में सकूत हैदराबाद और इंडिया से रियासत के जबरी इल्हाक पर सख्त दिल बर्दाश्ता हुए और जलावतनी की जिंदगी इख्तियार की, और जलावतनी के दौरान हैदराबाद लिबरेशन सोसाइटी के नाम से एक तंजीम भी बनाई। 1950 में पाकिस्तान का पहला कानूनी मसवदा बन रहा था तो आपसे राब्ता किया गया, आप पाकिस्तान तशरीफ लाए। आपने 1952 से 1978 तक तुर्की की मुख्तलिफ जामियात में भी पढ़ाया। 1980 में जामिया भावलपुर में तुलबा को खुतबात दिए, जिन्हें बाद अजां खुतबाते भावलपुर के नाम से शाया किया गया। ये अजीम इल्मी और फिक्री शख्सियत 17 दिसंबर 2002 को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में इंतकाल कर गई। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्ला कहने को एक फर्द तनहा, लेकिन काम कई जमायतों से ज्यादा कर गए। अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे। आमीन सुम्मा आमीन।